जय भोले, जय शंकर। भाई वादियां देख सकते हैं आप। जय भोलेनाथ। भाई तो दोस्तों, जय श्रीखंड महादेव। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सारे सही होने। भाई आज है हमारा टेंट के अंदर दूसरा दिन और ट्रैकिंग का तीसरा दिन है। तो हमारा जो दूसरा दिन था चलने का, वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। जैसे कि आपने पहाड़ी वगैरह देख लिए हुए, और अफसोस कि हम लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा था। शनिवार को हम लोग निकले थे, आज है सोमवार। आज हमारा दर्शन करने का दिन था, लेकिन हम लोग कल ही रिटर्न हो गए थे आधे रास्ते से, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा रिस्क भरा हुआ था। तो अभी टाइमिंग से पहले भी थे हम लोग, तो हमारे साथ मतलब हिम्मत नहीं बन पाई भी आगे जा पाए, क्योंकि ग्लेशियर बहुत ज़्यादा थे और पहाड़ के टॉप में चढ़ रहे थे हम लोग। तो शाम को हम लोग वापस आ गए और हमने लगा दिया यहाँ पे टेंट। तो कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है ये मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके, और कहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ है प्रॉपर, तो दिखाता हूँ आपको। बर्फ के बीच में बर्फ हमने मतलब क्या ही बोले, देखो आप कैसे जगह पे हमने। यहाँ पे हम लोग रात को रुके हुए थे, इसके अंदर हमने टेंट लगाया हुआ था। मौसम देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा साफ है, और अभी सोमवार है आज। तो हमारे लोगों ने यहाँ पे भोग बना के ऊपर जहाँ से श्रीखंड दिखता है, तो वहाँ जाके धूप छोड़ना है और भोग चढ़ाना है। उसके बाद वो नीचे आएंगे, तो मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ अकेले। तो ये मकान के छत से होके हमको अंदर जाना पड़ रहा है, और इसके अंदर हमने टेंट लगाया हुआ है। दरवाज़ा बर्फ़ से पैक के, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। नज़ारे चेक कर सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। थोड़ा गला मेरा बैठ गया हुआ है क्योंकि बर्फ़ का पानी हम यहाँ पे पी रहे हैं, और बर्फ़ के पानी से ही हम खाना बना रहे हैं क्योंकि पानी यहाँ पे है ही नहीं। तो देख सकते हैं जो ये पहाड़ी दिख रही है आपको, तो ये पहाड़ी के टॉप टॉप से हम लोग गए थे। हमें भगवान भोलेनाथ ने हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ली, जिसमें कि हम सफल नहीं हो पाए। तो बोलते हैं ना, जिसको भोलेनाथ का बुलावा नहीं आया है नहीं जा सकते। तो भाई बर्फ़ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से नज़ारे चेक कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे पहाड़ के बिल्कुल लेवल में है, और भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा हाइट में नज़ारे देख सकते हैं। जय शंकर। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल दिनांग गज। महादेव की नगरी श्रीखंड महादेव। ऊपर देखो कैसे आ रहे हैं। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। जय भोले। जय भोले, जय शंकर। वो दो भाई जी गए आगे, गए बल बुद्धि विद्या। जय शंकर। रुक जा रुक जा। जय शिव शंभू। जय शंकर। गुरु प्रसाद ग्रहण करो बालक, प्रभु आइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हो भोले, जय शंकर। राम दूत अतुलित बल धामा,
जय भोले शंकर, जय भोले नाथ, जय भोले। वहां देखो गाइस, ऊपर नीचे देखिए, नीचे अरे नीचे पत्थर है। आराम से, इधर को आ जाओ, इधर को, इधर को, पत्थर है नीचे। वही 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 पत्थर है, पत्थर है, पत्थर। ओ भाई, पत्थर तो नहीं लगे। बनाया ना बढ़िया वीडियो, एकदम बढ़िया बनाया यार। जय भोले, जय शंकर। जल्दी आ जा, पैर ठंडे हो गए। जय भोले, जय शंकर, आ जा। अरे आ जा यहाँ, रुक जाएगी। पावर बैंक वगैरह सारे बाहर है। जय शंकर। बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहे पैर तो मेरे बिल्कुल जाम हो गए। और यहाँ पर ये अपने जो भाई जी है, हाँ ये तो यार घर से ही जूते नहीं लेके आए थे, तो इतने बड़े ग्लेशियर में नंगे पैर। ओ बम शंकर, तो अभी भूख लग रहा है, कुछ बनाना पड़ेगा। भाई बहुत चले आप यार, आपको देख के हम लोग पीछे पीछे चले हुए थे, पर वहाँ से आगे तो अति हो गया। तो अभी बर्फ का पानी पी पी के ना बोला भी नहीं जा रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा डोर। कभी भोलेनाथ ने आसमान के रास्ते छत से हमको दरवाजा दिया है। तो ये हमारे बड़े भाई है जिन्होंने लाया से बर्फ में ढूंढ के, घर से जूते नहीं लाए थे। जय शंकर।
जल्दी जल्दी सेक लो फट्टे में, ऊपर कपड़े कपड़े में ना पकड़े यार। बड़ी भैया कर लो थोड़े टांग गरम हल्के हल्के। ये क्यों बनाया तूने? पानी आ रहा है ग्लेशियर का। ग्लेशियर है पूरा ग्लेशियर है जी। तो से अभी वापसी में बैठे हुए यहाँ पे सारे, तो अब भाई से पूछेंगे रास्ता कैसा था और कैसी फीलिंग आई हमको। रास्ता बहुत थ्रिल वाला था, बहुत एक्सट्रीम लेवल के चैलेंजेस थे। हमने कुछ पड़ाव पार करने की कोशिश की, कुछ में हम पास भी हुए, पड़ाव पार भी किए, पर एट द एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं वापस जाना सही रहेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और रिसोर्सेज कम थे, पानी भी हमें वहाँ नहीं मिल रहा था, तो इस करके हम वापस आए और मज़ा बहुत आया। और नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे बमशंकर। तो भाई सारे का हौसला टूट गया था वहाँ पे ऊपर जाने के बाद, तो हमने सोचा यार थोड़ा सा बर्फ़ पिघलने देंगे उसके बाद फिर आएंगे। तो हमने अच्छा फैसला लिया कि हम वापस आए, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। यहाँ भाई जी भी हमारे साथ यहीं से लोकल, तो अच्छा रात कैसी थी? यार भाई जान तो डर गए थे मैं आपको सोच रहा था। तो भाई जी ने भी बताया कि ये हमसे आगे निकल गए थे, फिर इन्होंने भी बताया कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो शुक्र से हम पीछे से रिटर्न हो गए, क्योंकि ये भाई जी हमारे एक दिन के बाद आए, ये एक दिन हमसे आगे चले गए थे, हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए थे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, अभी कुछ खा लेंगे। खोलो भाई जी। अरे वाह भाभी जी ने क्या भेजा है घर से, देखते हैं। बिल्कुल भाई जी, ये है, अब क्या बोलूँ, इसका नाम मेरे को आता नहीं है, एक दिन खिलाया था मैंने, बोला श्रीखंड जाते समय ये पक्का बनाना। अरे वाह, ये सारे सारे निकालो ना भाई जी को, पकड़ा के बंद रखो, ऐसे तोड़ के देता हूँ ना। हाँ थोड़ा इसमें भी दिखाओ क्या चीज़ है ये, नाम तो बताओ। क्या नाम है? अरसा। अरसा। हेलो भाई जी। खन्ना जी। नूरा भी भाई आपको और एकदम से निकल गया पंट्रू को। पंट्रू को बोला पंट्रू। अरे वाह मीठी मीठी डिश। तो ये काय से बना हुआ है भाई जी? मुझे नहीं पता, गैस करें। कुरकुरा सा स्वाद है, तो समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा था ऐसे बोले, जब मैंने शुरू टाइम खाया था मुझे भी समझ नहीं आया था। दीदी को देना है, ले तू भी खा ले, दीदी को भी दे। अबू भी आपके बैग में छूट के पैकेट तो नहीं है? दबा के है मेरे बैग में, ले जाओ।
तो फिर चलेंगे नीचे। हम लोग यहाँ पे आराम कर रहे थे और ऊपर से पत्थर आए थे। तो ये है जंगली धूप, तो देख सकते भाई यहाँ से ये तोड़ के लाया हमने, तो इसको सुखाने के बाद इस्तेमाल करते पूजा घर में। तो वापसी का टाइम है, देख सकते भाई कितना सारा लोड अभी भी है। तो यहाँ ऊपर से धुंध जहाँ से है ना, वहाँ से आए हम लोग, अभी जाना है हमको नीचे जहाँ पे वो धुंध दिख रहा है उससे भी नीचे जाना है। तो चलते आराम आराम से, है ना, जहाँ पे रवि ओम नश बोल रहा था। देखा था इसको, इसको देखा था तेने? मैंने पहले नहीं देखा था वो, जब बाद में आते हुए देखा ना नीचे को, तब तो मैं खुद डर गया। जब उसके बाद ऊपर गया ना मैं, नीचे को देखा वो यार। कौन है? तो बेरेम था पर टफ है ना, तेने देखा था ऐसा बर्फ कभी? साला ठीक खुश हो रहा है उधर। चश्मा नहीं लगाना यार। ओए ओए ओए। तो अभी इतने ऊपर से आए वापस नीचे, तो यहाँ पे रुके हुए थे, तब पता लगा कि भाई खन्ना जी पतीला भूल गए ऊपर, तो फिर से वो ऊपर जा रहे, देख सकते आप। क्या बोल रहे? लाओ लाओ पतीला लाओ भाई, खाना खाना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम वापस जा रहे हैं और 11 बजने को आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो रुक गए, रास्ता ये था श्रीखंड वाला और हमको जाना है इस रास्ते से नीचे की ओर। तो अभी यहाँ पे चावल बन रहे और रवि बना रहा है चटनी, तो मैं आपको दिखाता हूँ इन हसीन वादियों में भाई चटनी का मज़ा, देख सकते हैं। तो ये मिर्च कूट रहा है पहले इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से खाना खाएंगे, बैटरी मेरे फ़ोन में बहुत कम बचा है, तो मेरे फ़ोन ने भी मेरा पूरा साथ दिया भाई और पावर बैंक ने भी पूरा साथ दिया। तो अभी यहाँ पे खाना की तैयारी हो रहा है और यहाँ से निकलते हैं। तो इस बार श्रीखंड यात्रा नहीं हो पाए हमारे, एंड मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जाओ के कोशिश करेंगे महादेव के पास 2023 यात्रा संपन्न करने की। तो मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें। जय शंकर महादेव। यहाँ से आगे का मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, तो जय भोले, जय शंकर, बाय बाय।